भर में मीडिया में चर्चा है कि पूरे देश को झकझोरने वाले 16 दिसंबर 2012 के गैंगरेप आरोपियों को जल्द ही फांसी दी जाएगी। अटकलें तेज हो गई हैं कि निर्भया गैंगरेप मर्डर केस के चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को तिहाड़ जेल में 16 दिसंबर की सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी। साल 2012 की दिसंबर की ये वही तारीख है जिस दिन 6 दरिंदों ने निर्भया के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। जब हमने अटकलों पर निर्भया के पिता से बात की तो आइए सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। 16 तारीख को फांसी की सजा दी जाएगी रेपिस्ट को। 16 तारीख किसने कहा है? जो मीडिया खबरें आ रही है उसके मुताबिक कुछ नहीं है, हमें तो नहीं लग रहा है सर, कोई प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ, कैसे हो सकता है आप बताइए। देखिए इस वक्त तो यहाँ पे बक्सर से जेल प्रशासन को नोटिस भी दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी फांसी का फंदा तैयार करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त तो 16 तारीख को यहाँ पे फांसी की सजा देने की खबर सामने आ रही है। सुन, हम भी सोशल मीडिया से रहे हैं लेकिन हमें तो यही नहीं समझ कि हो कैसे जाएगा ये। कोई कह रहा कि उसने रिव्यू अपना वो क्या नाम है मर्सी पिटीशन वापस ले लिया, कोई कह रहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये सब कुछ प्रक्रिया है, कैसे हो सकता है ये जी। तो अभी जो खबरें हैं मतलब वो खबरों का खंडन करते हैं आप अभी? नहीं, खंडन हम किसी भी चीज का नहीं करते हैं कि जो हम पता ही नहीं तो हम खंडन क्या करें, उसका समर्थन क्या करें, हम उसका ना तो खंडन कर रहे हैं ना ही समर्थन कर पा रहे हैं। ये ठीक है कि फांसी का फंदा बनाने के लिए है, मैंने भी पढ़ा है अखबारों में जी, लेकिन फांसी इस वाला कोई हमें समझ नहीं आ रहा अभी। तो अभी मैं जैसे आप सुने वैसे मैं भी मीडिया से सुन रहा हूँ, मीडिया से, सोशल मीडिया से, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या, इसलिए इसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ और उसका वो भी नहीं कर रहा हूँ। इतनी लंबी लड़ाई आपने लड़ी तो आपके पास अभी कोई नोटिस कुछ आपके पास आया अभी तक, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो इस मामले में? नहीं होता तब तो मन में खुश होता है मैं। अगर 16 तारीख को फांसी की सजा होती है तो लगता नहीं आपको 2012 में ये इतनी ये घिनौनी वारदात हुई थी और 7 साल लग गए? ये तो बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि उसी दिन फांसी या उसी दिन घटना, लेकिन देखिए जिस तरह से जो ये वारदात हुई थी उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। अभी हमने हाल ही में हैदराबाद वाला मामला सामने आया, तो क्या आपको लगता है कि जो कानून है उसको कठोर किया जाना चाहिए कि किसी की हिम्मत तक ना हो? देखिए कानून कठोर है ऐसा कुछ नहीं, कानून कठोर है ही नहीं, कानून में जो बदलाव हुआ है उसमें कोई समय सीमा नहीं है, जो न्याय नहीं मिल पा रहा, समय सीमा ना होने के साथ हमारा 7 साल लग गया, तभी अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा। किरण नेगी का केस होगा आपको पता है, वो सुप्रीम कोर्ट में 3-4 साल से नहीं, हमारे केस से पहले ही वहां लटका पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर समय सीमा होता तो उनको भी न्याय मिलता, हमको भी मिल गया होता। तो सारा जो गड़बड़ी है वो समय सीमा की है, जैसे इंसाफ तो हमारे को तभी मिलेगा जब उनकी फांसी होगी। देखिए अब इधर से हट करके थोड़ा जम्मू कश्मीर की तरफ चलिए, अगर पुलिस को जैसे छोड़ दिया गया होता कि नहीं आतंकवाद बढ़ना नहीं चाहिए तो आतंकवाद बढ़ता नहीं आज की तरह, आज जैसे जम्मू कश्मीर शांति में है इस समय तभी शांति में होता। ये नहीं कह रहे हैं किसी को पकड़ कर मार दो, लेकिन स्थिति कौन सी है, परिस्थिति क्या बनी है, उसके हिसाब से उन्होंने जो कुछ किया सही किया है। आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप को 16 दिसंबर को 7 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में न्याय के लिए भटक रहे निर्भया के परिजन आस लगाए बैठे हैं कि कब गैंगरेप कांड के आरोपियों को फांसी दी जाएगी और तब ही उन्हें न्याय मिलेगा। न्यूज डेस्क।